हेलो दोस्तों, आज हम केर की चटनी बनाएंगे। इसे हम सिलबट्टे पर पीसकर बनाएंगे। सिलबट्टे पर पिसी हुई चटनी का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। ये केर की चटनी बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो चलिए मैं आपको इसकी रेसिपी बता देती हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को। इससे आपको मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहेगी। केर की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हम ये 1 कप गले हुए केर लेंगे। इसे गालने के लिए हमने इसे 3 दिन तक प्लेन पानी में और 3 दिन तक नमक के पानी में हम मिट्टी के घड़े के अंदर गाल के रखेंगे। थोड़ा सा लहसुन लेंगे, ये हमने 7 से 8 साबुत लाल मिर्च ली है। इसे हमने गर्म पानी में भिगो के रख लिया है। तड़का लगाने के लिए हमने तेल लिया है, नमक लिया है, जीरा लिया है और ये हींग पाउडर लेंगे। तो अब हम चटनी बनाते हैं। अगर आपके पास सिलबट्टा नहीं है तो आप इसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं, लेकिन सिलबट्टे पर पिसी हुई होने की वजह से ये बहुत ही टेस्टी बनती है। सबसे पहले हम ये लाल मिर्च लेंगे। इसे हम अच्छे से इस तरीके से चलाते हुए इसे पीस लेंगे। लाल मिर्च को हमने पहले ही भिगो के रख लिया था, इसलिए ये बड़ी जल्दी पीस जाएगी। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छे से पीस लेंगे। ये चटनी राजस्थान के गांव में बहुत अधिक बनाई जाती है। लाल मिर्च पीस चुकी है। अब इसमें हम लहसुन डाल देंगे और 1 चम्मच नमक डाल देंगे। नमक डालने से ये जल्दी से पिस जाएगा। इस तरीके से चलाते हुए इसे अच्छे से पीस लेंगे। देखिए हमारी चटनी बिल्कुल बारीक पिस चुकी है। अब इसे हम थोड़ा साइड में कर लेंगे और हमने एक केर लिया है, इसे हमें पीसना नहीं है, इसे हमें दरदरा कूट लेना है। बिल्कुल इसी तरह हम इसे कूट लेंगे अच्छे से। देखिए हमने सभी केर कूट लिए हैं, इन्हें हमने बिल्कुल दरदरा कूटा है। अब हम इसे अलग अलग बाउल में निकाल लेंगे। अब हम तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए हम एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल डाल देंगे। तेल गर्म होने के बाद हम इसमें जीरा डाल देंगे, हींग पाउडर डाल देंगे और ये लाल मिर्च का पेस्ट डाल देंगे। इसे हमें चलाते रहना है। हमने ये थोड़ा सा पानी लिया है, इसे हम चटनी के अंदर डाल देंगे और इसका पानी उड़ने तक हम इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे। दो मिनट बाद अब इसमें हम केर डाल देंगे। आप इसमें स्वादानुसार नमक की क्वांटिटी और बढ़ा सकते हैं और इसे फिर से हम 2 मिनट तक पका लेंगे। देखिए हमारी केर की चटनी तैयार है और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनी है, बहुत ही अच्छी बनी है। आप प्लीज़ मेरी इस केर की चटनी की रेसिपी को घर पर ज़रूर बनाएं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें।
शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों।